दिन रात सरकार को गाली देते हैं, फिर भी लंदन में जाकर ये कहते हैं राहुल पर किरण रिजिजू। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा, संसद में जो माहौल है उसको लेकर देश भर में चिंता है। जब देश के हित की बात है तो कोई चुप नहीं बैठ सकता। हम सब भारतीय हैं। राहुल गांधी और उनके नेता जो बोलते हैं उनकी मर्जी है, लेकिन देश को बदनाम करने में किसी की मर्जी नहीं चल सकती। राहुल अपनी पार्टी को बोलते हैं तो उसमें हमें कोई रुचि नहीं है, लेकिन जब देश को डुबोने का काम किया जा रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देश ने कांग्रेस के नेतृत्व को देख लिया है, जनता उनको सपोर्ट नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि देश को ही बदनाम करें। विदेश में ऐसी बातें बोले ये बर्दाश्त नहीं है। राहुल भारत विरोधी भाषा ही बोलते हैं। ये देश और सदन में आकर माफी मांगे। भारत को बदनाम करने वालों को खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि राहुल गांधी ने लंदन में जाकर झूठ बोला, इतना अनाप शनाप बोला और नियमों को ताक पर रखकर बोला। फिर लंदन में जाकर बोला कि उनको भारत में बोलने नहीं दिया जाता है। सबसे ज्यादा सरकार को रात दिन गाली देते रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। पार्लियामेंट की गरिमा को गिराते हैं। पीएम मोदी पर देश के लोगों का भरोसा है, उनके खिलाफ अनाप शनाप बात कहना ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने भारत के संविधान और कानून व्यवस्था का बेइज्जती की है। रिजिजू ने आगे कहा है कि मैं खुद अल्पसंख्यक हूं, हम भारत में सुरक्षित है, पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है देखे। और राहुल लंदन में जाकर कहते हैं कि सिख यहाँ सेफ नहीं है, ये कैसी बात है। राहुल और देश विरोधी गैंग ने षड्यंत्र रचा और लंदन में जाकर बयान दिया।